3 महीने अगर आपने जो है प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम किया है तो सैलरी आपकी जो यहाँ पे 22,000 देखने को मिल जाती है, मतलब 4,000 आपको जो है 3 महीने में आपकी इंक्रीज हो जाएगी। चलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो काफी सीरियस और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइस। गाइस आपने आजकल रिसेंटली सुना होगा कि ओमिक्रॉन नामक जो COVID-19 वायरस का ही एक जो दूसरा रूप है वो ओमिक्रॉन है और इसके जो है संक्रमण काफी सारे देखने को मिल रहे हैं इंडिया में। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यार अगर आप करंटली कहीं वर्किंग है तो आप वर्किंग करते रहिए, और करंटली जो कैंडिडेट जॉब की नीड है, जॉब सर्च कर रहे हैं, सो आप जल्द से जल्द जॉब लेने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर के स्किल्स जो है डेवलप कीजिए जल्द से जल्द, और जहां भी आपको इंटरव्यू में कोई भी इशू आ रहा है तो उसे जो आप रिजोल्व करने की कोशिश कीजिए। सो गाइस इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था यार कि हम इन फ्यूचर के बारे में सोचे गाइस, क्योंकि करंटली तो हमें लग नहीं रहा कि यार कि कुछ होने वाला लॉकडाउन में लग सकता है, लेकिन कुछ भरोसा नहीं। अगर गवर्नमेंट की एक भी गाइडलाइंस आ गई तो हमें जो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन मानना पड़ेगा। सो गाइस क्योंकि कंपनियां, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े शहर में, अभी नोएडा में है, दिल्ली में है या मुंबई में है, महाराष्ट्र में, तो वहां जो है ये एयरपोर्ट सिटी है, तो सबसे पहले लॉकडाउन यही लगता है गाइस। सबसे पहले तो ये क्या करेंगे कि सैटरडे संडे आपका वीकेंड पे आपका जो है यहाँ पे लॉकडाउन लगेगा, तो उस सिचुएशन के लिए आप रेडी रहिए गाइस। और गाइस आज जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ, ये टॉपिक की बात करने वाला हूँ कि परवाना के रिगार्डिंग। परवाना की बात करें, परवाना में काफी सारी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का वहां पे सिलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि वो वेल प्रिपेयर नहीं हुए थे पहले से, क्योंकि गाइस कोई भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मैंने जो भी कैंडिडेट मुझे डीएम किया तो मैंने उसे पहले बोला कि यार अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, शार्प है, क्योंकि परवाना का क्राइटेरिया काफी टफ रहता है गाइस। सो गाइस अगर आप यहाँ सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको एक माइंड सेट लेके जाना पड़ेगा, तब यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा गाइस। सो गाइस अगर आप मान लीजिए हमें परवाना में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, और गाइस अगर आपने यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है और मान लीजिए यहाँ पे COVID-19 की गाइडलाइंस आ गई और लॉकडाउन लग गया, तो ये टोटली आपको जो है वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड आपको कंपनी कराने वाली है, और आपको सैलरी पूरी ही देने को यहाँ पे देखने को मिल जाती है, कोई भी सैलरी डिडक्ट आपकी नहीं हुई गई। सो गाइस ये सारा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपको ये टोटली आपको वर्क फ्रॉम होम आपको सेटअप प्रोवाइड करके देखी गई, क्योंकि गाइस ये एमएनसी कंपनी है, तो यहाँ पे जो है आपका काम नहीं रुकता है, यहाँ काम आपका चलते रहता है गाइस फ्लो में। सो गाइस अगर आप मान लीजिए कोई लॉकडाउन में लगता है तो वर्क फ्रॉम होम का पूरा सेटअप आपको प्रोवाइड करने वाली है। और गाइस अगर आपने यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, स्टार्टिंग में मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया और 3 महीने यहाँ पे आपने मन लगा के काम किया, प्रोसेस के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपने काम किया है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है गाइस, तो आपको जो है एक शानदार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने को देखने को मिल जाती है, और शानदार आपको यहाँ पे सैलरी में इंक्रीज आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो अगर आपने 3 महीने यहाँ पे शार्प अपने माइंड से जो है काम प्रोसेस के अकॉर्डिंग किया है, तो आपके 3 महीने में सैलरी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप बैकएंड प्रोसेस में जा रहे हैं, इस बैकएंड प्रोसेस में इसमें स्टार्टिंग जो सैलरी रहती है वो फिक्स रहती है 18,000 सीटी से इसकी सैलरी देखने को मिल जाती है, लेकिन 3 महीने अगर आपने जो है प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम किया है तो सैलरी आपकी जो यहाँ पे 22,000 देखने को मिल जाती है, मतलब 4,000 आपको जो है 3 महीने में आपकी इंक्रीज हो जाएगी अगर आपने यहाँ पे शार्प अपने माइंड से जो है यहाँ पे काम किया। और अगर आपने यहाँ पे 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया, तो ये काफी सारे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं। और गाइस सैटरडे संडे इसमें फिक्स ऑफ रहता है, और मान लीजिए कभी आप सैटरडे भी जाते हैं तो आपको जो यहाँ पे इंसेंटिव आपको देखने को मिल जाते हैं गाइस, तो ओटी भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस परवाना एक शानदार कंपनी होने वाली है, लेकिन इसका सिलेक्शन प्रोसेस काफी टफ रहता है, तो आपको जो एक शानदार माइंड सेट लेके जाना पड़ेगा और अपना जो यहाँ पे इंटरव्यू जो है क्रैक करना पड़ेगा गाइस। सो गाइस मेरा इस वीडियो को बनाने का बेसिकली मकसद यही था कि अगर जो भी कैंडिडेट जॉब लेना चाहते हैं तो आप यहाँ ट्राई कीजिए, अगर आप नहीं भी जाना चाहते हैं यहाँ, बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं होता तो अदर कंपनी में आप ट्राई कीजिए, मल्टीपल कंपनी है गाइस नोएडा में अगर आप जाना चाहते हैं, और कोई भी बीपीओ सेक्टर की अगर आप जॉब पकड़ते हैं तो अगर कोई भी लॉकडाउन या कोई भी ऐसा सिचुएशन आती है तो यहाँ पे आपको जो है टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब जो है आपको प्रोवाइड करने वाली है एनी बीपीओ कंपनी गाइस। सो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको कोई भी जॉब की नीड है तो आप जो है डेफिनेटली अपने नीड को जो है सबसे पहले तो आप जो है कंप्लीट कीजिए, सबसे पहले एक जॉब ले लीजिए, क्योंकि गाइस कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक भी गाइडलाइंस आ गई तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हमें जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा गाइस। सो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप परवाना में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सैलरी आपको 3 महीने में इंक्रीज देखने को मिल जाती है, बाकी 1 ईयर में तो काफी अच्छे अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं गाइस। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप प्रोसेस में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपकी जो है टाइमिंग्स जो है आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स आप पंक्चुअल हैं उस पर नहीं है, तो ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पे देखे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका फीडबैक जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है सैलरी भी यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल जाती है। क्योंकि गाइस जब लॉकडाउन लगा था तो रिसेंटली हमें जो है एक ही दिन में वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया था गाइस, क्योंकि गाइस ये कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि यार कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, तो वो पहले से प्रिपेयर रहती है कि हाँ भाई बंदों को पहले फिर को जो है वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर दो कि इन फ्यूचर कोई लगता है तो हमारे पास इतने कैंडिडेट ऑलरेडी घर से हमारे काम चलेंगे।
काम कर पाएंगे। तो ये गाइस काफी अच्छा बेनिफिट होता है। तो उसी के रिगार्डिंग में बोल रहा हूँ कि आप बीपीओ सेक्टर की कोई भी आप जो है जॉब अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि गाइस इन फ्यूचर कभी भी आपको जो है लॉकडाउन लगता है तो सबसे पहले आपको ही जो है वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा गाइस। सो गाइस ये काफी अच्छा बेनिफिट बीपीओ सेक्टर में आपको देखने को मिल जाता है। और गाइस करंटली तो आपको जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस ही आपको जॉब करना पड़ेगा, लेकिन इन फ्यूचर कोई गाइडलाइंस आती है तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम भी आपको दे दिया जाएगा गाइस। क्योंकि पिछली बार गाइस मैंने खुद ये एक्सपीरियंस खुद किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है सजेस्ट कर रहा हूँ गाइस, कोई भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि गाइस मैंने खुद ऑब्जर्वेशन की है और मेरे खुद एक फ्रेंड है, मल्टीपल फ्रेंड है गाइस, क्योंकि उनने खुद ये एक्सपीरियंस किया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। सो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप जॉब की नीड है तो आप प्रोवाना में जा सकते हैं, प्रोवाना में नहीं हो रहा तो ईएक्सएल में जाइए, आईनेजाइजर में जाइए और एससीएल में जाइए। तो ये सारी एमएनसी कंपनियां जहां आप जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और इजी तरीके से यहां अपना वर्क कर सकते हैं गाइस। सो गाइस ये काफी अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप गुड़गांव में हैं, गुड़गांव में टेली परफॉर्मेंस होगी, कॉन्सर्ट ट्रैक्स होगी, तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें अपना आप सिलेक्शन ले सकते हैं और एक आपको शानदार अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाती है गाइस। सो गाइस आप इन फ्यूचर के बारे में आप सोचिए गाइस, ऐसा नहीं होगा कि यार करेंटली हमारा बेस्ट चल रहा है तो अभी सही है सिचुएशन, हमें जो है फ्यूचर की सोचना चाहिए गाइस, हमारे फ्यूचर में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो गाइस हमें फ्यूचर के बारे में एक अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा और अपना जो है अपना गोल्स जो भी हमने जो है अपने गोल्स बनाए हैं उससे भी हमें अचीव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए गाइस। सो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा आप जल्द से जल्द एक जॉब ले लीजिए, कोई भी इशू आता है तो मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस। सो गाइस इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था, जो भी कैंडिडेट अभी जो है अनएम्प्लॉयड है और जो जॉब लेना चाहते हैं सो डेफिनेटली आप जो इन कंपनी में ट्राई कीजिए और यहाँ पे आपको जो है सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा गाइस। सो गाइस अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा गाइस। सो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। सो थैंक यू सो मच।